दाऊद इब्राहिम पर मोदी का सिकंजा कसता जा रहा है, अब उसका बच पाना मुश्किल है। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम का सगा भाई इकबाल कासकर, जो उसका सारा काम देखता था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इकबाल कासकर को दाऊद का दाहिना हाथ माना जा रहा था और दाहिना हाथ दाऊद का टूट गया है। यों तो उस पर आरोप है कि उसने एक व्यापारी को हफ्ता वसूली के लिए धमकाया था, परंतु ये धमकाने का काम तो वह कई दशकों से करता आ रहा है। आज हम आपको बताएंगे दाऊद इब्राहिम का सगा भाई इकबाल कासकर के गिरफ्तारी के पीछे का सच। जी हाँ, इकबाल कासकर को गिरफ्तार करने का जो पीछे का मंशा है वो कुछ और है। दरअसल दाऊद इब्राहिम पर दबाव डालना और दाऊद इब्राहिम को इंडिया वापस बुलाने का ये एक पहल किया गया है। आपको याद होगा कि पिछले वर्षों दाऊद इब्राहिम का एक भाई, जिसे फांसी दे दी गई थी, और फांसी देने से पहले भी दाऊद इब्राहिम को इंडिया लाने की बहुत सारी कोशिशें की गई, परंतु दाऊद इब्राहिम इंडिया आने से मना कर दिया, और मना करने की वजह के कारण ही उसके एक भाई को फांसी की सजा मिली और उसे फांसी दे दी गई। उसके फांसी के दिन रात तक किस प्रकार ड्रामे चलते रहे ये भी आपको याद होंगे। वो सारा जो कारगुजारी था उसके पीछे का मंशा एक ही मात्र था कि किसी प्रकार दाऊद इब्राहिम हाँ भर दे इंडिया आने के लिए और वो अपना जुल्म कबूल करे और इंडिया के अदालत में आकर पेश हो जाए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था और उसी का नतीजा हुआ था कि उसके एक भाई को फांसी दे दी गई थी। अब उसके दूसरे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अगर अब भी दाऊद इब्राहिम नहीं चेता, वो भारत वापस नहीं आया, अपने आप को सरेंडर नहीं किया, तो इसको भी फांसी तक पहुंचाया जाएगा, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, आपको ये भी पता होगा कि पिछले दिनों मोदी सरकार के दबाव में लंदन में दाऊद इब्राहिम की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, अरबों की जो प्रॉपर्टी थी, उसे जब्त कर लिया गया है और उसका भी यही वजह है कि दाऊद इब्राहिम की जो तिलिस्म है, उसका जो पूरा साम्राज्य है, उसे नष्ट नाबूद कर दिया जाए जब तक कि वो भारत वापस आकर गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं हो जाता। दाऊद इब्राहिम जहां कहीं भी छुपा हो उसे भारत आना ही पड़ेगा, भारत में आकर सरेंडर करना ही पड़ेगा और उसे कानून के तहत सजा दिया जाएगा और कानून उसे फांसी के तख्ते पर जरूर पहुंचाएगी, इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। याद रहे कि इन दिनों दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा बैठा है और अगर वह जल्द ही समर्पण नहीं किया तो इकबाल कासकर को भी फांसी दे दी जाएगी। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज़ नए नए इन्फॉर्मेशन मिलते रहे।